जी मैं थोड़ा सा दूर आया हूँ, यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल वीडियो बन रही है। देखते हैं इनकी लाइव डील होती है या नहीं। पहले इन्होंने शायद वो वाला बड़ा खुलवाया था, अभी इन्होंने वाला बड़ा कैमरा, ये चेक करें जी आप। माशा दूसरा ट्रक है जो सगिया मंडी में हमने देखा है, आगे हम की कह देने। अच्छा क्यों, की मसला है? अरे जी मैंने जिस तरह के आपको लास्ट क्लिप में दिखाया है कि हम सगिया मंडी के रास्ते में थे, तो यहाँ पे कुछ मुनासिब साइज़ के वैडे खड़े हैं, लाइटिंग वगैरह कोई नहीं है। और आप देखें कि ये भी यहाँ पे छोटे साइज़ के दरमियाने वैडे खड़े हैं, लेकिन कस्टमर वगैरह जो है वो कोई नहीं है। क्योंकि आप देखें मंडी के जो हालात हैं ना, वही मंडी वाले हालात नहीं हैं, ना कोई लाइटिंग है, ना कोई कुछ भी इंतज़ामिया वगैरह कुछ भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि 6 जून से इन्होंने ऑपरेशनल करनी है लाहौर की मंडियाँ, लेकिन आज 6 जून है, कोई ऑपरेशनल नहीं हुई मंडियाँ। जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि कल जो है वो चांद जब नज़र आ जाएगा, जिसके 80% चांसेस हैं, तो उसके बाद हो सकता है ये लाइट्स वगैरह ऑन कर दें मंडी की। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी वीडियो बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो व्यापारी वगैरह है ना वो भी कोई सीरियस नहीं हुए हुए इस वक्त, और वो तंग आए हुए हैं कि 2-3 दिन से हम इधर हैं, कोई भी इंतज़ाम जो हैं वो लाइटिंग के नहीं हुए। बाकी फिर भी यही तो है भाई, कितने पैसे ने? 280। कितों लेके आए हो माल? मुल्तान। कितने दिन हो गए ने? तीसरा दिन। कोई लाइटिंग कोई पानी शानी का इंतज़ाम नहीं अभी? कब तक कह रहे हैं कि हो जाएगा? सुबह कह रहे हैं हो जाएगा। ये जी आपको बैठे में दिखा देता हूँ सारे, सारों का 280 मांग रहे हो? ये जी तकरीबन दो सारों का ही बैठे का 280 मांग रहे हैं। ऑफ कैमरा भी हमने पूछा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 ब्राउन कलर के बैठे हैं, उसके बाद एक ये ब्लैक है, और बाकी ये एक अपलग बैठ गया है। ये देखें जी, ये सारे बैठे हैं सगिया मंडी में, बाकी कुछ इधर भी खड़े हैं, ये देख लें आप। फोकस भी नहीं कर रहा, लाइट ही नहीं है, क्योंकि बाकी कुछ छोटे वगैरह साइज़ के इधर खड़े हैं बैठे, और मंडी में जो है ना वो कोई इंतज़ाम नहीं है फ़िलहाल। में एक बैठा खड़ा है और इनसे रेट वगैरह पूछते हैं, पहले आप चेक कर लें बैठा। चाचू धुंधा है? कितने पैसे ने? 4.5। तो ऐदा एक ही रेट है, 4.5-4.5। चाचू कदों कह रहे ने कि बत्तियाँ छत्तियाँ इतने, कोई समझ नहीं आ रही। ले जी देखें आप इनकी, इसके भी आ जाओ आ जाओ जी। दसो कोई हालात है ने मंडी दे कोई, या नहीं? की कह रहे? अच्छा क्यों, की मसला है? अच्छा नहीं करनी कोई कुर्बानी? कितने दिन हो गए ने आए? तीसरा चौथा दिन। अली भाई और अच्छा दे, कितने पैसे ने? दोंदा ही है जी। कितने पैसे? 1,70,000। ये जी 1,70,000। लाइट तो है नहीं, लेकिन आप फिर भी देख लें जी। यहाँ पे बेहतर है लाइट को जी, आपको कवरेज करके दिखाते हैं यहाँ की। माल जो है वो अच्छा खासा है, देखते हैं जी अगर ये वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो। आपको दिखाता हूँ बड़े सारे, इधर मुनासिब साइज़ के भी हैं, बिग साइज़ के भी हैं, इधर लाइटिंग बेहतर है, पीछे बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं थी। ये बड़ा बड़ा चेक करें जी, इनका कोई व्यापारी वगैरह नज़र आता है तो आपको रेट भी बताते हैं। ये पांडा माशाल्लाह, और ये मुनासिब साइज़ में कुछ बड़े हैं, ये देखें जी मुनासिब साइज़ के कुछ बड़े हैं। मिक्सी अपडेट है, अगर कोई व्यापारी रेट बताना चाहता है तो उसे पूछ के आपको बता देंगे। यहाँ पर बैठे काफ़ी ज़्यादा हैं, मिड रेंज के बैठे हैं जी। ये कौन सा ले जी? ये हमारी ऑडियंस के मुताबिक लंपी रिकवर्ड है, ये देखें जी। आपको शायद दो लाइट देना बेटा, लाइट भी दिखाता हूँ आपको। हाँ जी ठीक है, लेकिन अब ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, लंपी रिकवर्ड है, हो सकती है ऐसी कुर्बानी। नहीं ज़रूरी नहीं है। चाचू की हाल है? ठीक हो चाचू? धोंदा है पांडा? धोंदा जी। कितने पैसे? 2,50,000। 2,50,000 रुपया जेड़ा छोटा है? बछड़ा है जेड़ा छोटा है? 1,50,000। 1,50,000। चाचू कितने दिन हो गए ने आए? 15 दिन। कोई गाहक शाहक है या नहीं? बस दरमियाना आते इंतजाम बस देख लो जी।
अपना कोई नंबर दसो। नंबर कोई नहीं। नंबर कोई नहीं है ना कि अपना तारक महमूद जी। तारक महमूद के पास आपके सारे बैठे मिल जाएंगे और मुनासिब साइज़ के और बिग साइज़ के मिक्स बछड़े हैं। कितने बछड़े हैं अपने पास टोटल? अपने को तो गिनती मारिए ढाई सारे अपने ही ने। हाँ जी चलो ये एक ही भाई के हैं सारे बैठे। चाचू ये कितने पैसे ने जो छोटा है दरमियान है? बिल्कुल ये पैसा जी 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया जी। अच्छा सब तो सस्ता बच्छा किन्ना है? सस्ता बच्छा 1.5 तो थले हो। सब तो महंगा फुल महंगा जो है? फुल महंगा है जी 5 तो 10 जी। कोई ठीक हो गया जी। ये आप देख सकते हैं सगियां मंडी में जहाँ पे आपको भी फ़िलहाल लाइटिंग नज़र आ जाएगी ना, ये सारे भेड़े इनके हैं। इनके मुताबिक 250 तकरीबन दाना है और इसके 1.5 लाख मांगे थे ना, 1.5 लाख मांगे थे, उसके 2.5 लाख मांगे थे, इसके भी 1.5 लाख मांगे। बैठे रहने दो बस पैसे तो आ गए। इसके कितने पैसे हैं? 2.5। इसका भी 2.5 लाख है। बाकी मैं आपको वैडे सारे दिखा देता हूँ। 1.5 लाख से 5 लाख तक की रेंज कह रहे हैं। 1.5 लाख से नीचे इनके पास कोई नहीं, डिमांड है ये। बाकी अगर आप आएंगे निगोशिएशन कर सकते हैं आप लोग। ये भी बिग साइज़ में वैडा बैठा। बाकी मैं आपको इनकी ब्यूटीज़ दिखाता हूँ जो मुझे दूर से नज़र आई थी। ये देखें जी लाइट देना। ये देखें जी लाइट मैंने अभी ऑन की है अपनी। ये मुनासिब साइज़ के मतलब जो मुनासिब वैडे करने वाले हैं ये उन लोगों के लिए है। शाहपुर गांजरा मंडी में इसके साथ के वैडे के 130-140 लोग मांग रहे हैं। डेढ़ तक मांग रहे हैं जी। ये भी खूबसूरत है वैडा। बाकी आप सारे वैडे देख लें। ये सिचुएशन है शाहपुर गांजरा मंडी की। वो शाहपुर गांजरा मंडी कह रहे सगियां मंडी की। ये हैं जी इनके पास 250 वैडा है तकरीबन 1.5 लाख की रेंज से 5 लाख तक की रेंज की। आगे अब कुछ मिलता है तो आपको दिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये होंगे इनके एक्सपेंसिव वैडे सबसे ज़्यादा। और ये कि इन्होंने बाहर निकाला हुआ है बल्कि इनके साथ फैमिली अच्छा नहीं लगता इस तरह पकड़ कैमरा। ये चेक करें जी आप माशाल्लाह। ये इनके सारे बिग साइज़ में बैठे हैं। सगियां मंडी की एक शॉर्ट सी अपडेट जो कि मैं जाते साथ ही अपलोड कर दूंगा। फ्लैश ऑन किया आप देखें बिग साइज़ में इनके पास बैठे हैं सारे। जिनका ये 5 लाख कह रहे हैं ये एक आ रहा है। इसकी डील वगैरह नहीं हुई मैंने जिसने आपको बताया, लेकिन आप इसकी हाइट चेक करें माशाल्लाह। जी माल और आ रहा है इनका। इसकी अभी अनलोडिंग होगी शायद। तो अभी देखें माल आना स्टार्ट हो गया है और जो मुझे लगता है ना वो इंशाल्लाह कल तक यहाँ पे रौनक लग जाएगी। पूरी लाइटिंग वगैरह हो जाएगी। जाहिर है जब उन्होंने एक डेट दी हुई है तो वो उसके मुताबिक ही जो है अपना काम करेंगे गवर्नमेंट। ये ट्रक जा रहा है जी, माल वगैरह आ गया मंडी में और आ रहा है माल। ये जी डील वगैरह भी हो रही है यहाँ पर, दिखाते हैं आपको डील अगर कोई होती है। लाइव खोल रहे हैं मैडम। ये अंकल वगैरह आए हुए हैं लेने के लिए इसकी। ये गाड़ा है जी। और जी मैं थोड़ा सा दूर आया हूँ, यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल वीडियो बन रही है। देखते हैं इनकी लाइव डील होती है या नहीं। पहले इन्होंने शायद वो वाला बैड़ा खुलवाया था, अभी इन्होंने वाला बैड़ा खुलवाया। कोई रेट शेड इनका बना नहीं है शायद, या अभी कुछ लगाया ही नहीं है इन्होंने। ये दूसरा कस्टमर हमें नज़र आया है मंडी में क्योंकि सीरियस बायर्स लग रहे हैं, लेकिन इनकी डील नहीं बनी जी। दूसरा ट्रक है जो सगियां मंडी में हमने देखा है आ गया मालो माल का। मालो माल हो गई है सगियां मंडी, लेकिन लाइटिंग नहीं है अभी। ये भी कुछ अच्छे वैडे खड़े हैं बिग साइज़ में। एक मिनट रफे भाई, एक मिनट रोकना ज़रा जी। मैं अब उतर गया हूँ बाइक पे से, अब आपको दिखाता हूँ। ये भी कोई मुनासिब साइज़ के बैठे। हाँ लाइट ऑन ही रखी भाई। अरे ये जी बिग साइज़ में बैठे हैं माशाल्लाह। आप चेक करें लाइट इस तरह ही रखना भाई 2 मिनट। लाइटिंग नहीं है इधर, लेकिन माल जो है वो इनका खूबसूरत है। सारा माल प्यारा है। सगियां मंडी में माल जो है वो अच्छे मतलब तकरीबन 300-400 बैठे आ गए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने लाइट जो है वो ऑपरेशनल नहीं की। एक ही बात मैं बार बार कह रहा हूँ,
लेकिन जिस तरह है बात वही है। बाकी आगे चेक कर लें जी, आप देखें सगिया मंडी में आएंगे ना एक ही जगह लाइटिंग लगी हुई है सिर्फ, उसके साथ ही ये कुछ और बैड़े भी खड़े हैं।